प्रभु की शरण में मनुष्य का बहुमूल्य शरीर हमें इसलिए प्राप्त नहीं हुआ है कि हम अपनी आवश्यकताएं, लालसाएं, वासनाएं, तृष्णाएं बढ़ाते जाएं और उनकी पूर्ति के लिए दिन रात परेशान रहने में ही सारा समय लगाएं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य यह है कि जीव अपने विवेक को जागृत करके चिर संचित कुसंस्कारों से अपनी मनोभूमि को शुद्ध करें, भववंदनों को काटें, दूसरों की सेवा करें और अपने आदर्श चरित्र द्वारा संसार के सामने उदाहरण उपस्थित करके अपने कीर्ति को अमर करें। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति प्रयत्न करते हैं वही ईश्वर को प्रिय लगते हैं और उन्हीं को वह अपना सच्चा प्रेम, वात्सल्य तथा अनुग्रह प्रदान करते हैं। ऐसा अनुग्रह प्राप्त कर लेना ही जीवन की सार्थकता है। इस मार्ग पर चलने के लिए मनुष्य को 6 कार्यक्रम अपनाने पड़ते हैं। नंबर 1, अपनी आवश्यकताएं कम से कम रखना। नंबर 2, अपनी वस्तुओं को ईश्वर की वस्तु समझकर अपने को उनका ट्रस्टी, संरक्षक मात्र समझना। नंबर 3, सामने उपस्थित कठिनाइयों से परेशान न होकर उन्हें विवेक पूर्वक सुलझाना तथा जो न टल सके उन्हें प्रारब्ध भोग समझकर धैर्यपूर्वक सहना। नंबर 4, मन को भगवान में लगाए रखने के लिए भजन साधना करना। नंबर 5, अपने कुविचारों, दुर्गुणों तथा दुष्कर्मों को हटाने तथा घटाने के लिए निरंतर प्रयत्न करना। नंबर 6, दूसरों की भलाई के लिए कुछ न कुछ काम ईश्वर की सेवा समझकर नित्य ही करते रहना। अखंड ज्योति, अक्टूबर 1954, पृष्ठ 309।